जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 अगस्त को शिवरात्रि का त्योहार है तथा कावड़ यात्रा 22 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रस्तावित है। ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से पैदल चलकर कावड़ लाएंगे, जिसका पवित्र जल भगवान शिव पर चढ़ाया जाएगा। कावड़ यात्रा एवं कावड़ियों की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कावड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। इस दौरान प्रदेश में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग लेन बनाई गई है। हरियाणा पुलिस द्वारा ऐसे असामाजिक तत्वों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है जो कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो 24 घंटे संचालित रहेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से भी ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। कावड़ यात्रा में महिला श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में भाग लेती हैं, अतः सभी यात्रा रूटों एवं ठहराव के स्थानों पर उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा ऐसे सभी यात्रा रूटों एवं ठहराव के स्थानों पर 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है। श्रद्धालुओं के आराम तथा यात्री ठहराव के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा शिविर भी स्थापित किए गए हैं, जहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए वेल इक्विप्ड स्ट्राइकिंग रिजर्व भी तैयार की गई है। यात्रा के दौरान किसी को भी किसी प्रकार के अवैध हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं है। हरियाणा पुलिस की कावड़ियों एवं आमजन से अपील है कि वे कानून एवं पुलिस तथा प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना करें, ताकि कावड़ यात्रा सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। धन्यवाद।